फिर से नए वीडियो के साथ मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं दीपक टेक्निकल। तो फ्रेंड्स अगर आप भी इस तरह का WhatsApp स्टेटस बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स WhatsApp स्टेटस बनाना बहुत ही इजी है। फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने के लिए एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है काइंग मास्टर। तो काइंग मास्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले ताकि अगला आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स बता दूँ कि वीडियो में जो भी मटेरियल मैं यूज किया हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा बिल्कुल फ्री में। काइंग मास्टर ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलता है। फ्रेंड्स अगर आपके पास बिन वाटर मार वाला काइंग मास्टर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, फ्रेंड्स आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये प्लस आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर हम करेंगे टैब और उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे यहाँ से 1:1 का रेशियो लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से एडिट पर टैप करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स इसका जो ड्यूरेशन है फ्रेंड्स इसको कम से कम यहाँ से 4 सेकंड तक आपको रहने देना है फ्रेंड्स। ठीक है, 4 सेकंड तक रहने देने के बाद उसके बाद स्क्रॉल करना है, यहाँ से फिल स्क्रीन कर देना है फ्रेंड्स, यहाँ से ओके कर देना है आपको। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स फोटो ले लेना है, फोटो व्हाट्सअप बनाने के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं फ्रेंड्स इस फोटो को, ये सब फोटो ले रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे आपको भी ले लेना है ऐसे ऐसे फोटो फ्रेंड्स। और आपके पास फ्रेंड्स अगर आपके पास HD में नहीं है फोटो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से चलिए हम ये सब ले ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ से ओके कर दे रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अब करना क्या होगा हमको फ्रेंड्स, देखेंगे कि यहाँ से जो एडजस्ट है कि नहीं फोटो मेरा। ठीक है, तो इसको यहाँ से टैप करेंगे, उसके बाद थोड़ा इसको स्क्रॉल यहाँ से नीचे की तरफ कर देंगे, यहाँ से लॉक करके इसको ओके कर देंगे फ्रेंड्स। ऐसे ही सब इमेज को करना होगा हमको। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से चलिए हम कर दे रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से इस पर टैप करके ऐसे थोड़ा सा यहाँ से सबको कर लेना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे आप भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, स्टेटस बनना यहाँ से बन सकता है फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी है। ऐसे ऐसे हम कर लिए फ्रेंड्स सारे इमेज को ऐसे ही, ये भी थोड़ा ऐसे एडजस्ट कर लेंगे ऐसे नीचे की तरफ, इसको लॉक करके ऐसे कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ से ये सब मेरा इमेज मस्त है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस आइकन दिखाई दे रही है, यहाँ इस पर हम यहाँ से करेंगे टैप फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से ये क्रॉस लाइन ये है, ये आपको डाउनलोड करना होगा फ्रेंड्स। यहाँ से गेट मोड पे जा करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इस पर टाइप कीजिएगा तो बहुत सारे यहाँ से ट्रांजेक्शन आ जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेंड्स, हम डाउनलोड किए हैं पहले से, चलिए इसको ले लेते हैं। यहाँ से लेने के बाद इस पर टाइप कीजिएगा फ्रेंड्स, और इसका जो टाइमिंग है फ्रेंड्स यहाँ से टाइमिंग इसका इतना ही रहने दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 1.5 सेकंड तक। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से ओके कर देना है आपको, फिर से दूसरे पर चलना होगा, यहाँ से फिर से इसका ट्रांजेक्शन टाइमिंग यही रहने दीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ से इसका कलर थोड़ा चूज कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आपको जो पसंद है वो ले लीजिएगा यहाँ से। चलिए ऐसे ले रहे हैं फ्रेंड्स, इन सारे पे ट्रांजेक्शन ऐसे ही लगा लेना है फ्रेंड्स आपको भी, जैसे हम लगा रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ से ओके कर देना है फ्रेंड्स ऐसे ही फ्रेंड्स, फाइनली मेरा हो गया यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद से फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट पोजीशन पर आने के बाद से फ्रेंड्स अब क्या करेंगे कि लेयर पे चलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और लेयर पे चलने के बाद यहाँ से मीडिया पे चलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स इसमें जो भी हम एनिमेशन अभी जा रहे हैं लगाने वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए ये ले रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से लेने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ से बॉक्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करना होगा आपको, यहाँ से फुल स्क्रीन कर देना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ से स्प्लिट जो स्क्रीन है इस पर टैप कीजिएगा तो थोड़ा सा बैक आइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बैक आने के बाद यहाँ से म्यूजिक फिर यहाँ से म्यूट कर देना है, फिर से यहाँ से ऑडियो पर टैप करना है, पीछे जाना है और स्क्रॉल डाउन करके नीचे यहाँ से ब्लेंडिंग पे टैप कर कर आपको यहाँ से स्क्रीन पे टैप कर देना है फ्रेंड्स। ये हो गया यहाँ से, और यहाँ से आपको ओके कर देना है फ्रेंड्स। ठीक है, देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट इस पर टैप करेंगे यहाँ से, और यहाँ से कैंची का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करेंगे स्ट्रीम टू राइट कर देंगे फ्रेंड्स, यहाँ से ओके कर दिए। ये हो गया मेरा फ्रेंड्स। ठीक है, एक एनिमेशन इसमें ऐड हो गया। उसके बाद दूसरा एनिमेशन लगाएंगे, यहाँ से लेयर पर चलेंगे और फिर से मीडिया पर चलेंगे, और मीडिया पर चलने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से चलेंगे, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस इफेक्ट का भी। तो इसे लेने के बाद यहाँ से फिर से बॉक्स पर टैप करना होगा आपको, और यहाँ से ओके कर देना है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर से यहाँ से फिर स्क्रीन पर टैप करके नीचे चलना है फ्रेंड्स आपको, और यहाँ से ब्लेंडिंग पर टैप करके फ्रेंड्स यहाँ से स्क्रीन ऑन कर देना है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर से इसी पर टैप करना होगा, और इसका भी म्यूजिक यहाँ से म्यूट कर देना है फ्रेंड्स। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, यहाँ से ओके कर देंगे, पर आपको थोड़ा वीडियो देर बहुत ही बेस्ट बनने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको थोड़ा जरूर ले एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स, ताकि समझ में आ सके फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए यहाँ से कर दिए हम इसको भी। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स अब क्या करना होगा, यहाँ से फिर से यहाँ से लेयर पे चलना है फ्रेंड्स, और मीडिया पे आपको, और फ्रेंड्स यहाँ से कैप्चर किए हैं खुद से हम, बॉर्डर कैप्चर किए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये है, और यहाँ से बॉक्स पे फिर से आपको टैप करना होगा इस पर, और यहाँ से फुल करके यहाँ से बैक आना होगा आपको, नीचे चलना होगा, यहाँ से ब्लेंडिंग पे चल करके यहाँ से
स्क्रीन ऑन कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका ड्यूरेशन खींच करके वीडियो के हिसाब से कर देंगे फ्रेंड्स। ये बॉर्डर लग जाने से फ्रेंड्स देखना कितना झकास लग रहा है मेरा वीडियो, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे फ्रेंड्स। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ से लेयर पर चलना होगा हमको, यहाँ से मीडिया पर चलना होगा फ्रेंड्स। और इस पर चलने के बाद से फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ से हम कि अब लोगो लगाएंगे इंस्टाग्राम का या अपना यूट्यूब चैनल का फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से ये ऐसे छोटा करेंगे, ऐसे यहाँ से राइट साइड में, ऐसे लेफ्ट साइड में सॉरी, ऐसे लगा लेंगे फ्रेंड्स, ताकि देखने में बहुत ही झकास लगता है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन खींच के वीडियो के हिसाब से फ्रेंड्स कर देंगे, ठीक है। करने के बाद से फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। फिर से यहाँ से चलेंगे फ्रेंड्स लेयर पे और मीडिया पे फ्रेंड्स। इसका भी डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर लेना है ये वाला ब्लैक स्क्रीन का, ठीक है। और यहाँ से बॉक्स पर टैप कर देना है आपको, इसको फुल स्क्रीन करना है, ठीक है। यहाँ से बैक चलना होगा थोड़ा सा, आप नीचे चल करके यहाँ से ब्लेंडिंग में टैप करके यहाँ से स्क्रीन पे टैप कर देना होगा, ठीक है। फिर से फ्रेंड्स, और इसका म्यूजिक भी यहाँ से म्यूट कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद से आपको ऑडियो लेना होगा, यहाँ से ऑडियो पे चल करके यहाँ से आपके जो भी मोबाइल में होगा यहाँ से आप यहाँ से ऐड कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इस पर टैप कीजिएगा यहाँ से, और टैप करके यहाँ से प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप कर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। नीचे की तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ से ऐड हो गया सॉन्ग मेरा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ से ओके कर देना होगा, ठीक है। और फिर जो भी म्यूजिक मेरा यहाँ से एक्स्ट्रा होगा, इस पर टैप करके यहाँ से कैंची का फोन दिखाई दे रहा होगा, इस पर टैप करके यहाँ से ट्रिम टू राइट कर देना है, ठीक है। उसके बाद ओके कर देना है फ्रेंड्स। ये मेरा वीडियो रेडी हो गया फ्रेंड्स। चलिए आपको थोड़ा प्ले करके दिखा देना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको सेव और शेयर करने के लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ से राइट साइड में ऊपर की तरफ आपको तीर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हम करेंगे टैब। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से एक्सपोर्ट हम कर लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेना, ताकि अगला आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग लेकर आते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।